हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मिक्स इनहिबिशन के बारे में। इससे पहले हम तीन वीडियो और बना चुके हैं कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि एक बार इनहिबिटर बाइंड होने के बाद सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता जैसा नॉन कॉम्पिटिटिव में था। तो इसमें क्या होगा, आइदर वो बाइंड होगा फ्री एंजाइम से, आइदर वो बाइंड होगा यस कॉम्प्लेक्स से। लेकिन एक बार बाइंड होने के बाद सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकता जैसा हमने नॉन कॉम्पिटिटिव में देखा था कि एक बार इमिटर बाइंड हो गया फिर भी सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता था, वैसा मिक्स में नहीं होगा। तो चलिए इसका काइनेटिक शुरू करते हैं। तो एट एनी टाइम टी ईएस की वैल्यू क्या होगी, के वन इंटू ई इंटू एस। अब डिसोसिएशन ऑफ ई एस की वैल्यू क्या होगी, के माइनस वन इंटू ई एस प्लस के टू ई एस। तो चलिए ई एस कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। सो के वन इंटू ई इंटू एस इज इक्वल टू ई एस के माइनस वन प्लस के टू। अब ई एस को इस तरफ लेके आते हैं, के वन को इस तरफ लेके आते हैं, जिससे सारे कॉन्स्ट अलग हो जाएंगे और जो हमारी वैल्यू है सब एंजाइम की वो भी अलग हो जाएगी। सो e इंटू एस अपन ई एस इज इक्वल टू के माइनस वन प्लस के टू अपन के वन। ये तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट है तो इस कॉन्स्टेंट को मिला के हमने एक बड़ा सा कॉन्स्टेंट दे दिया इज इक्वल टू के एम मिखालिस कॉन्स्टेंट। सो के एम इज इक्वल टू ई इंटू एस अपन ई एस। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि आगे जाके आपको काम आएगा। फिर ऐसे अगर हम डिराइव करें ई आई और ई एस आई के लिए कॉन्स्टेंट, तो वो बनेगा के माइनस वन इज इक्वल टू ई इंटू आई अपन ई आई। ऐसे हम डिराइव करें तो जैसे के एम किया, और इसका बनेगा के कैपिटल आई ए माइनस स्मॉल आई इज इक्वल टू ई एस इंटू आई अपन ई एस आई। हमें ई आई की वैल्यू जाननी हो तो क्या करेंगे, ई आई इज इक्वल टू ई इंटू आई अपन के स्मॉल आई। और वैसे ई एस आई की वैल्यू जाननी हो तो ई एस आई इज इक्वल टू ई एस इंटू आई अपन के कैपिटल आई। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर टू और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री। चलिए बात करते हैं टोटल एंजाइम कंसेंट्रेशन की एट एनी टाइम टी। टोटल एंजाइम कितने होंगे, इस सबको मैं डिस्कस कर देता हूँ। टोटल एंजाइम यानी कि हमारे जो सिस्टम है उसमें हमने एंजाइम फिक्स कंसंट्रेशन डाला होगा तो कितना होगा, तो ई जीरो इज इक्वल टू एक तो होंगे फ्री एंजाइम, फिर होंगे एंजाइम जो बाइंड हुए हुए हैं सब्सट्रेट के साथ, तीसरा एंजाइम जो बाइंड हुए हुए हैं इनहिबिटर के साथ, और चौथा एंजाइम जो बाइंड हुए हैं इनहिबिटर सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ, राइट। तो हमारे पास ई आई एंड ई एस आई की वैल्यू है, चलिए इसमें डाल देते हैं। सो ई जीरो इज इक्वल टू ई प्लस ई एस प्लस ई इंटू आई अपन के स्मॉल आई प्लस ई एस इंटू आई अपन के कैपिटल आई। इसमें ई कॉमन है और ई एस कॉमन है तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ई जीरो इज इक्वल टू ई इंटू वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई प्लस ई एस इंटू वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई। ये हो गया। अभी चलिए इस पूरे को लेके जाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, ई जीरो इज इक्वल टू सॉरी ई जीरो माइनस ई एस इंटू वन प्लस आई अपन के आई इज इक्वल टू ई इंटू वन प्लस आई अपन के आई। ये कैपिटल है स्मॉल है, हमें जाननी है वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आई की के कितने फ्री एंजाइम है, तो इसको भी हम इससे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा। सो सिंपल मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहाँ से ही, वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई। ये होगी ई की वैल्यू। अब इक्वेशन वन याद कीजिए, के एम इज इक्वल टू ई इंटू एस अपन ई एस, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। चलिए हम रख देते हैं के एम इज इक्वल टू E की वैल्यू आ गई ई जीरो माइनस ई एस इंटू वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई
इन डिवीजन ऑफ वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई स्मॉल आई, ये सारा मल्टीप्लाई होता है एस के साथ, नीचे आएगा ई एस, चलिए ई एस को ऊपर ले लेते हैं, तो के एम ये भी मल्टीप्लीकेशन आप ई एस से ज्यादा रख सकते हैं तो फिर भी अलग रखते हैं, ई एस इज इक्वल टू, और ये मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ई जीरो अपन वन प्लस आई अपन के आई, इसको रहने देते हैं, हम यहां से डाल लेते हैं क्योंकि नीचे तो नीचे ये रह जाएगा, तो इसको इजी सिंप्लीफाई कर देते हैं, वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई स्मॉल आई, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि डिवीजन में तो डिवीजन का डिवीजन नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, सो ई जीरो इंटू एस माइनस ई एस एस मल्टीप्लाई विथ वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई। चलिए यहां तक हम पहुंच गए, ये आप लिखते जाना सब कुछ वीडियो पॉज करके। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हम इसको इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, सो के एम इंटू ई एस इंटू वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई प्लस ई एस इंटू एस इंटू वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई हो गया, इज इक्वल टू ई जीरो इंटू एस, ये हो गया। चलिए अभी ई एस कॉमन है, ई एस का कॉमन निकाल लेते हैं, सो ई एस इंटू के एम वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई प्लस एस इंटू वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई इज इक्वल टू ई जीरो इंटू एस, ये हो गया। अभी हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए ई एस की, तो इन सब को हम लेके जाते हैं इस तरफ, तो साइन है मल्टीप्लीकेशन की, तो क्या हो जाएगी डिविजन की, सो ई एस इज इक्वल टू ई जीरो इंटू एस अपन के एम वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई प्लस एस वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई। तो अभी याद कीजिए वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वी जीरो इज इक्वल टू के टू ई एस की प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी, जितना हमारे पास ई एस बना हुआ है इतना ई एस बनेगा वही प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, तो हमारे पास ई एस की वैल्यू है, चलिए इसमें रख देते हैं, तो वी जीरो इज इक्वल टू के टू इंटू ई जीरो इंटू एस अपन के एम इंटू वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई प्लस एस इंटू वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई, ये हो गया। अभी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, यानी कि V max कब होगा, जब सारे जो एंजाइम है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे सब्सट्रेट के साथ, तब भी और तब भी जो V जो मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एंजाइम का कंसंट्रेशन हमने फिक्स अमाउंट में रखा है, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब सारे जो एंजाइम है वो बाउंड हो जाएंगे सब्सट्रेट के साथ, तभी जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो चलिए हमारे पास ये है के टू ई जीरो, तो चलिए इसको रख देते हैं वी मैक्स की, जैसे वी जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स एस इंटू के एम वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई प्लस एस वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई, ये हमारा एमएम इक्वेशन जैसा बन तो गया, लेकिन इससे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे देखो एस की जो वैल्यू है बढ़ रही है, आप इनहिबिट डालो या ना डालो एस की वैल्यू इनहिबिटर से तो नहीं बढ़ेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको निकालने के लिए इसको दोनों तरफ से हम डिवीजन में रखेंगे वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई को, जिससे जो इक्वेशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमिरेटर और डोमिनेटर को दोनों को हम डिवाइड करेंगे वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई से, सो वी जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स अपन वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई इंटू एस अपन के एम वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई अपन वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई इंटू एस वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई डिवाइड बाय वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई, ये निकल गया एस फ्री हो गया। अब भी ये देखो वी मैक्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है,
पर केम भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम दे देंगे, इसको बोलेंगे वी मैक्स डैश और इसको बोलेंगे के एम डैश, हो गया। तो इस अब ये हमारा इक्वेशन हो गया पूरा एमएम इक्वेशन, क्या हो गया, वी जीरो इज इक्वल टू वी मैक्स डैश इंटू एस अपन के एम डैश इंटू प्लस एस। तो ये हो गया हमारा एमएम इक्वेशन फॉर मिक्स इनहिबिशन। तो भी देखते हैं इसका एलबी प्लॉट कैसा आएगा। सो एलबी में क्या करते हैं, हम इसका इनवर्स ले लेते हैं, वन अपन वी जीरो इज इक्वल टू के एम डैश प्लस एस अपन वी मैक्स डैश एस। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सो वन अपन वी जीरो इज इक्वल टू के एम डैश अपन वी मैक्स डैश इंटू प्लस एस अपन वी मैक्स डैश एस। एस एस निकल गया, सो वन अपन वी जीरो इज इक्वल टू के एम डैश अपन वी मैक्स डैश इंटू वन अपन एस प्लस वन अपन वी मैक्स। अब हमारे पास के एम डैश की और वी मैक्स डैश की वैल्यू है, तो चलिए इस पर रख देते हैं। सो वन अपन वी जीरो इज के एम की वैल्यू क्या थी, के एम इंटू वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई इंट अपन वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई। वी मैक्स की वैल्यू क्या थी, वी मैक्स अपन वन प्लस आई अपन के कैपिटल आई। तो ये निकल गया, तो अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, वन अपन वी जीरो इज इक्वल टू के एम डैश नहीं रखेंगे तो सिंपल के एम इंटू वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई अपन वी मैक्स इंटू वन अपन एस जीरो प्लस वन अपन वी मैक्स। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एल बी इक्वेशन। अगर इसका हम प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कैसा लिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो वाई में क्या है, वन अपन वी जीरो वन अपन एस जीरो एक्स एक्सिस में। स्लोप क्या आएगा, एम के एम वन प्लस आई अपन के स्मॉल आई अपन वी मैक्स। एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वन अपन वी मैक्स। एंड अभी मैं फाइंड करना हो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो सिंपली कर सकते हैं माइनस सी अपन एम इज इक्वल टू एक्स। सो सी क्या है, सो माइनस वन अपन वी मैक्स। एम क्या है, सो के एम डैश अपन वी मैक्स। सो वी मैक्स निकल गया, सो क्या हो गया, माइनस वन अपन के एम डैश इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, माइनस वन अपन के एम डैश। सिंपल हो गया, तो ये हो गया हमारा एल बी प्लॉट फॉर इनहिबिटर, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमसे जुड़े रहिए, थैंक यू।